नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा रद्द हो गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा हुआ रद्द। कासगंज जाएंगी प्रियंका गांधी, पीड़ित परिवार से करेंगी मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस हिरासत में युवक की हुई थी मौत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा रद्द। कासगंज जाएंगी प्रियंका गांधी, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। पुलिस हिरासत में युवक की हुई थी मौत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा रद्द हुआ। कासगंज जाएंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ में आयोजित होगा क्षेत्रीय सम्मेलन, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत पर होगा सम्मेलन। 11 और 12 नवंबर को होगा सम्मेलन, सेमी वर्चुअल मोड पर होगा आयोजित। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में आयोजित होगा क्षेत्रीय सम्मेलन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत पर होगा सम्मेलन। 11 और 12 नवंबर को होगा सम्मेलन, सेमी वर्चुअल मोड पर होगा आयोजित। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में आयोजित होगा क्षेत्रीय सम्मेलन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत पर होगा सम्मेलन। 11 और 12 नवंबर को होगा सम्मेलन, सेमी वर्चुअल मोड पर होगा आयोजित। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में आयोजित होगा क्षेत्रीय सम्मेलन, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत पर होगा सम्मेलन। 11 और 12 नवंबर को होगा सम्मेलन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। योगी सरकार खिलाड़ियों को करेगी सम्मानित, मेरठ में होगा खिलाड़ियों का सम्मान। कल सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। योगी सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी, मेरठ में होगा खिलाड़ियों का सम्मान। कल सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होगा समारोह। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। योगी सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी, मेरठ में होगा खिलाड़ियों का सम्मान। मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे योगी, टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी, टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी, टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी, टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। मुजफ्फरनगर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कश्यप सम्मेलन में हिस्सा लेंगे अखिलेश। सपा के 16 नेताओं को मिला कार्यक्रम का जिम्मा। हरेंद्र मलिक प्रमोद त्यागी के आवास जाएंगे अखिलेश, बुढ़ाना कस्बे के डीएवी इंटर कॉलेज में होगा कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कश्यप सम्मेलन में हिस्सा लेंगे अखिलेश। सपा के 16 नेताओं को मिला कार्यक्रम का जिम्मा।
हरेंद्र मौलिक प्रमोद त्यागी के आवास भी जाएंगे अखिलेश। बुढ़ाना कस्बे के डीएवी इंटर कॉलेज में होगा सम्मेलन। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से जाएंगे और कश्यप सम्मेलन में भाग लेंगे, तो क्या कश्यप समुदाय को साधने की तैयारी में है अखिलेश? है, और इसके अलावा जो ओबीसी वोट बैंक है वो वहां पर बहुत मजबूत है, और इसी को देखते हुए कश्यप सम्मेलन जो है वो समाजवादी पार्टी आज मुजफ्फरनगर में करने वाली है, जो कि बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और 12:25 पर वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। इसके अलावा बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में ये जो कश्यप सम्मेलन है उसमें वो भाग लेने वाले हैं, वहां पर जनता को संबोधित करेंगे, और 2:40 पर वो मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन भी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो 3 बजे हरेंद्र मलिक के घर भी जाएंगे। जी नितिन, जिस तरह से सभी पार्टियां अलग अलग समाज का वर्ग का सम्मेलन कर रही हैं और कहा जाता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होंगे, लेकिन जिस तरह से अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, तो यही लग रहा है कि जो चुनाव है यूपी के वो इसी आधार पर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आप कितनी भी बातें कर लें या हम कितने भी प्रयास कर लें कि विकास के मुद्दे पर वोट देना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जानती है कि उत्तर प्रदेश में जो जात के नाम पर वोट मिल सकता है वो तभी मिल सकता है जब सबको साधा जाए, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है, चाहे ओबीसी का हम ले लें या एससी का ले लें या फिर मुस्लिम वोट बैंक ले लें, तो इनका जो परसेंटेज है अगर वो एक तरफा किसी भी पाले में गिरेगा, ओबीसी के लिए कहा जाता है कि ओबीसी वोट बैंक किसी भी पाले में एक साथ गिर जाए तो कहीं ना कहीं वो सरकार बना ले जाते हैं, और पूरा गिरने की जरूरत भी नहीं है। अगर 30-35% वोट बैंक भी अगर ओबीसी का किसी भी पार्टी में गिरता है तो जाहिर सी बात है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी वोट बैंक कहा जाता है। तो ऐसे में सब जान रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक को कैसे साधना है। बीजेपी ने भी बीते दिनों राजधानी लखनऊ में कई सारे सम्मेलन किए थे ओबीसी जात को जोड़ने के लिए, और उसी तरह से अब समाजवादी पार्टी भी आज कश्यप सम्मेलन कर रही है। जी, जिस तरह से सभी सम्मेलनों का दौर चल रहा है और कश्यप सम्मेलन अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो क्या लगता है कश्यप सम्मेलन करने का क्या फायदा मिलेगा सपा को, या फिर बीएसपी के खाते में ही जाएंगे इनके भी वोट? देखिए, ओबीसी वोट बैंक पर पहले से ही कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि वो खुद यादव समाज से अखिलेश यादव आते हैं, और कहा जाता है कि ओबीसी वोट बैंक एक बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के खाते में गिरा है, लेकिन 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी वोट बैंक था ये खिसक गया था बीजेपी की तरफ, तो उस वोट बैंक को फिर से साधने का प्रयास, उस वोट बैंक को अपने पाले में खींचने का प्रयास कहीं ना कहीं इस बार फिर से समाजवादी पार्टी कर रही है, और प्रयास पूरा रहेगा, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का जो लेखा जोखा अगर बताया जाए या जिम्मेदारी बताई जाए तो राजपाल कश्यप जो कि एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, वो कई दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे थे और इस समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और राजपाल कश्यप ही इस पूरे कश्यप सम्मेलन को कहीं ना कहीं होस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रयास अब यही है इन नेताओं की कि जो बीजेपी के खाते में जो वोट बैंक चला गया था उसे खींचा जाए। दूसरी चीज, पश्चिम में जो किसान है और किसानों के बीच जो जाट समुदाय है, जो ओबीसी वोट बैंक है, उसको भी अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास किया जाएगा इन सम्मेलनों के जरिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़े थे। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा। आज 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे अखिलेश, कश्यप सम्मेलन में शिरकत करेंगे अखिलेश। बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में होगा कश्यप सम्मेलन। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा। आज 12:05 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे अखिलेश यादव, कश्यप सम्मेलन में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में होगा कश्यप सम्मेलन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव का आज मुजफ्फरनगर दौरा है। आज 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे अखिलेश, कश्यप सम्मेलन में शिरकत करेंगे अखिलेश। बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज में होगा कश्यप सम्मेलन। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा। आज 12 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे अखिलेश,
में शिरकत करेंगे अखिलेश। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री दोषी पाए गए, गायत्री प्रसाद प्रजापति और दो लोग दोषी पाए गए, गैंगरेप और पॉस्को एक्ट में दोषी करार हुए, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री दोषी पाए गए, गायत्री प्रसाद प्रजापति और दो लोग दोषी पाए गए, गैंगरेप और पॉस्को एक्ट में दोषी करार हुए, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी दोषियों को सजा। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री दोषी पाए गए, गायत्री प्रसाद प्रजापति और दो लोग दोषी पाए गए, गैंगरेप और पॉस्को एक्ट में दोषी करार हुए, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। पारिवारिक रंजिश में हुई युवक की हत्या, अयोध्या से बड़ी खबर, चाकू से गोद कर हुई युवक की हत्या, मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। बीकापुर में मोतीगंज चौकी के रमऊपुर की घटना, पारिवारिक रंजिश में हुई युवक की हत्या, चाकू से गोद कर हुई युवक की हत्या, मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। बीकापुर के मोतीगंज चौकी रमऊपुर की घटना, पारिवारिक रंजिश में हुई युवक की हत्या, चाकू से गोद कर युवक की हत्या, अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। बीकापुर के मोतीगंज चौकी के रमऊपुर की घटना है, पारिवारिक रंजिश के चलते मौत के घाट उतारा गया, चाकू से गोद कर युवक की हत्या की गई, मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीकापुर के मोतीगंज चौकी की घटना, पारिवारिक रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है, अयोध्या से चाकू से गोद कर युवक की हत्या की गई है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या है पूरा मामला, किस वजह से की गई युवक की हत्या? जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके देखा जा रहा है कि अयोध्या में बीती रात में इनका पुराना मामला चल रहा था, पारिवारिक रंजिश थी जिसको लेकर के युवक की हत्या की गई है, और उसमें 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर पड़ी है कोतवाली में, और चाकुओं से गोद कर हत्या की गई है, और पूरे इलाके में सनसनी एक मामला फैला हुआ है इस तरीके का, और इनका जो पुराना मामला चल रहा था, पुराने विवाद इस तरीके के चल रहे थे, कुछ अपहरण का मामला था जिसमें 307 के भी मामले थे, जिसको लेकर के आज मृतक की गवाही होनी थी कोर्ट में, और उससे पहले रात में ही ये वारदात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहा जाए कि इस मामले को लेकर के पुरानी रंजिश जो है वो जुड़ा सामने आ रहा है, और इस मृतक की पत्नी ने जो 6 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ में कोतवाली बीकापुर में तहरीर दी है। राघवेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि आज कोर्ट में पेश होना था, उससे पहले ही युवक की हत्या कर दी गई है, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस मामले पे? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो अभी तक 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद बाकी जो भी आरोपी हैं उनको ढूंढ रही है, उनकी छानबीन में कर रही है, और जिसको लेकर के सीओ बीकापुर का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले को लेकर के कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। जी राघवेंद्र, क्या पहले से कोई इस तरह की शिकायत कही गई थी कि मौत का या फिर जान का खतरा है, जिस वजह से उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए? नहीं, अगर इस बारे में बात की जा रही है तो ये मामला जो है ये 3 साल पुराना मामला इनका चला आ रहा था, और ये पारिवारिक रंजिश का मामला था जिसको लेकर के देखिए दोनों पक्ष एक बार वो मुकदमा इनके ऊपर कायम करवाए थे, और फिर दूसरा पक्ष जो आज मृतक हुआ है ये भी एप्लीकेशन दे करके और इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। तो पारिवारिक रंजिश के चलते हत्या कर दी गई है युवक की।
पारिवारिक रंजिश के चलते युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। अयोध्या से बड़ा मामला सामने आया है। मृतक की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीकापुर के मोतीगंज चौकी की यह घटना है। शिया वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव, लखनऊ से बड़ी खबर, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल, भाजपा नेता सैयद फैजी का भी नाम शामिल। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को होगा चुनाव। शिया वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल, भाजपा नेता सैयद फैजी का भी नाम शामिल। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को होगा चुनाव। शिया वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल, भाजपा नेता सैयद फैजी का नाम भी शामिल। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को होगा चुनाव। शिया वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल, भाजपा नेता सैयद फैजी का नाम भी शामिल। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को होगा चुनाव। शिया वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होना है चुनाव। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल, भाजपा नेता सैयद फैजी का भी नाम शामिल। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को होगा चुनाव। शिया वक्फ बोर्ड का होगा चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल, भाजपा नेता सैयद फैजी का नाम भी शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को होगा चुनाव। शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर, चेयरमैन पद के लिए चुनाव होना है, 8 लोगों के बीच ये चुनाव होगा, जिसमें पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता का नाम भी शामिल है। 8 सदस्यों के बीच ये चुनाव होना है। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी इस चुनावी दौड़ में शामिल है और भाजपा नेता सैयद फैजी का भी नाम शामिल है। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को चुनाव होगा। शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव, चेयरमैन पद के लिए होगा चुनाव, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल और कई अन्य नेता भी इसमें शामिल है। भाजपा नेता सैयद फैजी का नाम भी सामने आ रहा है। बापू भवन सचिवालय में 15 नवंबर को चुनाव होगा। शिया वक्फ बोर्ड का लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन पद के लिए चुनाव होगा, 8 सदस्यों के बीच होगा चुनाव। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी दौड़ में शामिल। अब देखना यह होगा, क्या वसीम रिजवी जीत पाते हैं पहले की तरह, या फिर फैजी जो भाजपा नेता हैं उनको चुना जाएगा, या फिर अन्य लोगों में से कोई जीत का हकदार होता है। शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, चेयरमैन पद के लिए चुनाव होना है, जो की 15 तारीख को बापू भवन सचिवालय में होगा, 8 सदस्यों के बीच ये चुनाव निश्चित है। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, 8 सदस्यों के बीच शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है, क्या लगता है कौन जीत सकता है? देखिए, अपने अपने कवायद चल रही है। पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी इस दौड़ में शामिल है और बीजेपी नेता सैयद फैजी समेत बेगर नूर बानो जो समय सदस्य रही है वो भी दौड़ में शामिल है। तो बड़ा चुनाव तो माना जा सकता है, क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड बड़ा चुनाव है और तमाम चीजें हैं कि राज्य मंत्री स्तर का दर्जा भी होता है, इसके साथ साथ बड़ी अहमियत भी मिलती है। शिया वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बड़ा महकमा है, तो निश्चित तौर पर चुनाव तो बिल्कुल है ही। बापू भवन चुनाव होगा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव रहेगा ये,
और 15 नवंबर को इसकी जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी। मैं बता दूं कि चुनाव कोरोना के कारण टल गया था, पिछले साल इस चुनाव को कराने की उम्मीद जताई जा रही थी, पर कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल इस चुनाव को कराने की सरकार द्वारा कोशिश की गई है। गौरव, वसीम रिजवी का नाम काफी चर्चा में रहा है, तो क्या एक बार फिर वो जीत सकते हैं? देखिए, वसीम रिजवी अपने फिल्म की बात हो या सरकार के पक्ष की बात हो या तमाम समय समय पर तमाम बयानों की बात हो तो चर्चा में बने रहते हैं जी। और पहले बकपुर के अध्यक्ष भी हैं, हालांकि उनको कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं जी। पर ये मान लीजिए कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो वसीम रिजवी लगातार चर्चा बने रहते हैं जी। और चर्चा में रहने के कारण उनकी अपने आप की एक छवि भी है, और दूसरे पूर्व अध्यक्ष है तो बिल्कुल माना जा सकता है, हो सकता है दोबारा उनको ये जिम्मेदारी सौंपी दी जाए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता गौरव जुड़े थे।